तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, ये साल फैंस के लिए होने वाला है जबरदस्त। देखो, जब से कोविड आया था उसके बाद सिनेमा इंडस्ट्री में ऐसा तड़कता भड़कता कुछ देखने को मिल नहीं रहा था और बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में भी रद्दी के भाव जा रही थी। लेकिन 2023 मैं कह रहा हूँ ब्लेसिंग है मूवी लवर्स के लिए भी और सुपरस्टार्स के लिए भी। नहीं, देखो, साल के शुरू में पठान देकर SRK ने कमबैक ले ली और अब गदर 2 से सनी देओल भी ले लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि OMG 2 से अक्षय फाजी को भी एक बूस्टर मिल जाएगा। सलार से प्रभास तो कमबैक ले ही लेंगे, तो ये साल मुझे लग रहा है कमबैक ईयर के नाम से जाने जाएगा आगे चलकर। और अब बात करते हैं द लीजेंड सुपरस्टार रजनीकांत जी की। भाई साहब, इनकी फिल्म जेलर हो चुकी है रिलीज और जो तहलका मचा रही है अपने ओपनिंग डे से ही कमाल है। ऐसी जबरदस्त सुपर कमबैक होने वाली है रजनी सर की आफ्टर रोबोट 2.0। तो पहले तो बता दूं कि मूवी की लेंथ है ऑलमोस्ट 3 घंटे की, तो सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये फिल्म देखने जाना चाहिए। बस इसी बारे में चर्चा होगी। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहना है अगर रजनी सर के डाई हार्ट फैन हैं और एक्शन मूवी का शौक रखते हैं तब, और ऐसे ही किसी भी मूवी देखने से पहले कीमती वक्त बचाना चाहते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बता देते हैं आपको, नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्टर के डायरेक्शन में मूवी को लगभग 200 करोड़ के खर्चे पर निपटाया गया है, जिसके लीड में वन एंड ओनली थलाइवा रजनीकांत सर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मूवी की मेन पार्ट की, स्टोरी लाइन की। जी हाँ दोस्तों, बाप बेटे की सुपर फैंटास्टिक केमिस्ट्री को दिखाया गया है। एक बाप का अपने बेटे के लिए कितना प्यार होता है, ये आपको जेलर में काफ़ी इमोशनल कनेक्शन के साथ देखने को मिलने वाला है। तो रजनी सर होते हैं एक रिटायर्ड जेलर जो अपना रिटायरमेंट फुल फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, और बेटा होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसकी कंट्रोवर्सी हो जाती है खूंखार विलेन के साथ जो काफी क्रूअल है, और ये बंदा करता है एंटिक सामानों की स्मगलिंग। तो अब आप कनेक्ट कर सकते हो कि रजनी के बेटे और इसमें कैसी दुश्मनी हो सकती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बस फिर क्या, देखते ही देखते रजनी सर का बेटा हो जाता है गायब और अब पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में मच जाती है खलबली, लेकिन कोई भी ढूंढ ना पाता है उन्हें। और अब आते हैं अपने रिटायर्ड जेलर साहब दोबारा अपनी फॉर्म में, और यहाँ से मूवी में आने वाला है दबा के मजा। जो दबा के एक्शन मिलने वाला है, भर भर के एक्शन मिलने वाला है, उसके बाद फिर थ्रिल और उसके बाद ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलेंगे, आपको सीटियां और तालियां मारने पर लगातार मजबूर कर देंगे। ऐसे जबरदस्त सीन आपको मिलने वाले हैं। बस फिर ये सिंपल स्टोरी लाइन है, इसी पर मूवी घूमती रहेगी। लेकिन जितनी सिंपल ये स्टोरी लग रही है नहीं, क्योंकि आपको पूरी मूवी में इतने ट्विस्टर देखने को मिलेंगे आपका सर चकराने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मूवी के फर्स्ट पार्ट में आपको दबा के फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फन देखने को मिलेगी, और ये फर्स्ट पार्ट आपको पूरी मूवी देखने पर मजबूर भी करेगा। लेकिन आफ्टर इंटरवल थोड़ा मूवी को खींचा गया है। हाँ, एक्शन दमदार मिलेगा सेकंड हाफ में, भर भर के ब्रुटैलिटी वाला एक्शन की सारी हदें पार कर दी इसमें, तो ऐसा लग रहा है एक बार के लिए। तो मेरी नज़र में फर्स्ट हाफ ज़्यादा एंटरटेनिंग है सेकंड हाफ के मुकाबले। मेरी बातों को ज़्यादा यकीन नहीं है तो आप जाइए खुद देखिए और मजा लीजिए भरपूर। इसी के साथ दोस्तों, क्लाइमैक्स बहुत फाड़ू है यार, स्पेशली वो रजनीकांत का स्टाइल में सिगार पीने वाला सीन, क्या बात है। ये एक इकलौता स्टाइलिश स्टार है जो कोई भी रजनी सर के लेवल को मैच नहीं कर सकता। बाकी म्यूजिक की दाद देनी पड़ेगी पूरी मूवी में, स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक को। भाई सैल्यूट है अनिरुद्ध रविचंद्रन को, क्या BGM इफेक्ट दिया है। ऊपर से क्लाइमैक्स प्लस उसमें अपने थलाइवा रजनी सर प्लस उसमें ये दिल दहला देने वाला BGM, वाह, नाइस। सही में मजा आ गया मूवी में। बाकी मेरा यही कहना है कि जाओ मूवी देखो और एंजॉय लो। इसी के साथ दोस्तों, जेलर मूवी ने एडवांस से ही लगभग 18 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, तो आप अब अंदाजा लगा सकते हो कि क्या फैन फॉलोइंग है रजनी सर की। स्पेशली ये मूवी फैन बेस पर नहीं है कि सिर्फ फैंस को ही मजा आएगा, न्यूट्रल ऑडियंस सेम फील करेंगी वाइब को जैसा फैंस करेंगे। फैमिली ड्रामा कंटेंट है, आप विद फैमिली एंजॉय करने जाओ थिएटर में। और इसी के साथ ये देखकर लग रहा है कि गदर 2 और OMG 2 की सॉलिड टक्कर होगी जेलर से। लेकिन हाँ, गदर 2 तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन OMG 2 कहीं ना कहीं पल्ला हल्का देखने को मिल रहा है। बाकी एंड ऑफ द डे तक मे बी 50 करोड़ की बिग ओपनिंग ले सकती है पहले दिन में ही, और पूरा गट फील हो रहा है कि मूवी 500 करोड़ का बिजनेस आराम से कर ले जाएगी। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी मूवी को देख लिया है तो आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी? दूसरा, क्या गदर 2 को बीट डाउन कर सकती है जेलर? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।